दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम इस प्रेस का थर्मास्टेट चेंज करके आपको दिखाएंगे। ये थर्मास्टेट मार्केट में मिल नहीं रहा है दोस्तों, तो इसमें दूसरा थर्मास्टेट सेट करके आपको दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो इस थर्मास्टेट दोस्तों, इसका जो पत्ती होती है ये बिल्कुल ख़राब हो गई है, जिसके कारण ये हीट नहीं हो रहा है, ना ही वर्क कर रहा है। तो इस सबसे पहले हम इसका स्क्रू खोल लेंगे थर्मास्टेट पर से, जो इंडिकेटर का है और थर्मास्टेट का वायर है, और दूसरा वाला ये भी खोल लेंगे। और बीच में ये स्क्रू होता है थर्मास्टेट को, इसको भी खोल लेंगे। एक ऊपर होता है, इसको भी खोल लेंगे, और ये थर्मास्टेट आपका अलग हो जाएगा। तो यही थर्मास्टेट मिल नहीं रहा है दोस्तों ये बजाज मजेस्टी DX9 मॉडल का है। इसका थर्मास्टेट मार्केट में नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश किए मिला नहीं दोस्तों। तो इसमें दूसरा थर्मास्टेट सेट करके आपको दिखाएँगे, कैसे सेट करना है, कैसे कनेक्शन करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये वीडियो बहुत आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि थर्मास्टेट की सेटिंग बहुत अहम होती है दोस्तों प्रेस की। तो इसमें प्रेस में इसको सेट करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पर सेट करके दिखा रहे हैं। तो ये एक स्क्रू आ रहा है और दूसरा स्क्रू नहीं आ रहा है, तो इसको सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस थर्मास्टेट में ये दो छोटे छोटे वायर को इसमें लगा लेंगे, ताकि इसकी जो सप्लाई है देनी है, तो इस वायर को यहाँ पर दोनों को टाइट कर लेंगे। ये वायर दोस्तों दूसरे थर्मास्टेट से खोल के इसमें लगाए हैं, तो इस थर्मास्टेट को यहाँ पे सेट करेंगे। दोस्तों ये वायर वाली खुंटी है, ये बॉडी में टच करती है, तो इस दोनों खुंटी को दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। यहाँ से आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसको मोड़ लेंगे ताकि प्रेस की बॉडी में टच ना करे। जब टच करेगा दोस्तों तो करेंट आने का खतरा है, तो इसको इतना मोड़ देंगे ताकि वो बॉडी में टच ना करे। तो इसको दोनों अच्छी तरह से यहाँ से मोड़ के, और इसको ये दोनों मोड़ दिया, अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे, तो अब ये टच नहीं करेगा दोस्तों। उसके बाद बीच में स्क्रू होता है और इसको टाइट कर देंगे, यहाँ पे खूब ज़बरदस्त टाइट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों एक ही स्क्रू से ये काम चलेगा। ये हो गया, ये इसका हो गया, अब ये टच नहीं करेगा। थर्मास्टेट बिल्कुल ओके है, ये वर्क कर रहा है। अब इसका कनेक्शन करेंगे, तो ये लाल और सफ़ेद जो थर्मास्टेट का वायर है, ये सफ़ेद वाला और इंडिकेटर का वायर, ये एलिमेंट पर टाइट कर देंगे। ये दोनों एलिमेंट के खुंटी पर टाइट कर देंगे, और ये दोनों दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया, और ये दोनों मेन पावर का हो गया दोस्तों, और ये जो है बॉडी अर्थ है। तो अब इसको हम इसका ऊपर का कवर है जो इसमें लगा के इसको सेट करेंगे। तो यहाँ से इंडिकेटर डालेंगे और वो दोनों वायर यहाँ से खींच लेंगे, ये इंडिकेटर खींच के दोनों वायर को खींच लेंगे अच्छी तरह, और इसको टाइट करेंगे। तो ऊपर वाले में एक थर्मास्टेट का वायर यहाँ जोड़ेंगे, ऊपर वाले खुंटी में पहली जो तीसरी खुंटी है उसको टाइट कर लेंगे, और बीच वाला ये बॉडी अर्थ है इसको यह स्क्रू लगा देंगे, और ये तीसरी खुंटी है जो नीचे वाली खुंटी है, जो एलिमेंट वाला वायर है, इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। ये ओके हो गया। अब ये इसमें तीन स्क्रू होता है, ये तीन स्क्रू को हम यहाँ पर जो प्रेस के एक ऊपर और दो नीचे, ये तीन स्क्रू को हम बारी बारी सब टाइट कर देंगे। ये हो गया। ये हैंडल लगाएंगे, इस इंडिकेटर को यहाँ पे खींच लेंगे और इसको बीच में सेट कर देंगे ताकि बाहर शो करे, और इसको हैंडल को बराबर लगा के इसको बैठा लेंगे, इसको बैठा के, और ऊपर एक बीच में स्क्रू होता है या कॉर्नर पर, इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। और दो स्क्रू पीछे होता है यहाँ पे, दोनों स्क्रू को बारी बारी टाइट कर लेंगे, अच्छी तरह टाइट कर लेंगे दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद ये कवर लगाएंगे या लॉक पर होता है, इसको बैठा देंगे यहाँ पे, ये बैठ गया। और ये छोटा सा नाब के नीचे लगा होता है क्लिप, इसको थर्मास्टेट बैठा देंगे। उसके बाद ये नाब लगाएंगे तो कटिंग देख के यहाँ इसको बैठा लेंगे। ये ओके, बिल्कुल रेडी दोस्तों। अब इस वायर को यहाँ पर लगा के, और ये पीछे का ढक्कन जो कवर है इसको लगा के बैठा देंगे यहाँ पे। इसमें दो स्क्रू होता है पीछे, दोनों को टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से, ये बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये ओके हो गया दोस्तों। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो सीरीज पे पावर देंगे और थर्मास्टेट बढ़ाएंगे, घटाएंगे, ये बिल्कुल ओके है, वर्क कर रहा है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।